अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी एकदम टेस्टी और क्रिस्पी चिकन फ्राई की रेसिपी, यानी स्टार्टर की रेसिपी है ये, चिकन स्टार्टर। चलिए बोनलेस चिकन ले लेंगे। 500 ग्राम बोनलेस चिकन है ये, अच्छे से वॉश करके एक बोल में ऐड कर लेना है। बोनलेस लेंगे चिकन को। अब उसके साथ ही 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। बहुत टेस्टी बनता है ये। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए आप लोग। मैं 1 टीस्पून ऐड कर दी, क्वांटिटी देखकर ऐड कीजिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब उसके साथ ही भुना हुआ जीरे का पाउडर है ये 1 टीस्पून। अब इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये सब चिकन के हिसाब से लीजिए आप लोग, थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है मसालों को। अब चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अब इसमें देखिए थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे ये। अब उसके साथ ही बिल्कुल 1/4 चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर एक क्वांटिटी में रखेंगे। अब उसके साथ ही थोड़ा सा फूड कलर लेंगे 2 चुटकी जितना, एकदम रेड फूड कलर है ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी आप लोग की, स्किप करना है तो कर सकते हैं। अब उसके साथ ही कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। टोटल 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे इसमें, टोटल 1 टेबल स्पून है ये। उसके साथ ही बेसन ऐड करेंगे ये। कॉर्नफ्लोर और बेसन बाइंडिंग के लिए है ये 1 टीस्पून। अब ये कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब उसके साथ ही ये सूजी रवा, जो बारीक सूजी रवा रहता ये इसमें शामिल कर देंगे। इससे क्या है, हमारा चिकन एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनकर रेडी होता है। ये 2 टीस्पून रवा ऐड कर देंगे यानी सूजी। अब एक नींबू का जूस ऐड करूँगी मैं, टोटल 1 नींबू का जूस ऐड करेंगे इसमें। देखिए 1 नींबू का जूस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है, हाथ की मदद से मैरिनेशन कर लेंगे इसका। देखिए अच्छे से पूरे मसाले कोट हो जाना है चिकन के ऊपर, देखिए इस तरह से रखेंगे। अब इसको टोटल 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फ्रिज में रख दीजिए आप लोग कवर करके। देखिए 4 से 5 घंटे हो गए। अगर इसकी जगह आप लोग रात भर पूरा मैरिनेशन करना चाह रहे हैं तो रात भर रखेंगे तो और अच्छा टेस्टी बनकर रेडी होता चिकन ये। मैं सिर्फ 6 से 7 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दी थी। और ऑयल गर्म हो गया अच्छे से, 1 बाई 1 पीसेस ऐड करते जाएंगे चिकन के। देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग हो गई और बहुत टेस्टी स्टार्टर बनकर रेडी होता ये, और कम टाइम में रेडी होता और बहुत टेस्टी रहता। मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे हल्के से। देखिए एक साइड अच्छे से हो गया और एक साइड पलटा लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे, यानी अंदर से अच्छे से पक जाना है जो चिकन रहता, अच्छे से फ्राई होना है। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से अच्छे से गल जाता चिकन। देखिए इस तरह से ही रखेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से कलर रखेंगे चिकन का, बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त स्टार्टर बनकर रेडी है ये। आप लोग घर पर मेहमान आए तो, चाहे कौन सी भी दावत हो, फंक्शन हो, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। बहुत टेस्टी भी है और बिल्कुल कम टाइम में बनकर रेडी होने वाली डिश है ये। चलिए अब इसको डिश आउट कर लेंगे। इस तरह से ही 1 बाई 1 मैं ऐड कर लूँगी, पूरे फ्राई करके बताऊँगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया चिकन का। अब आप लोग इसको सर्व कीजिए इस तरह से, कोई भी फंक्शन में एक बार ज़रूर बनाइए। चलिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इस तरह से ही न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।